नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टीवी न्यूज 24/7 हिंदुस्तान की आवाज। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं आपके साथ साहिल सदा। न्यू ईयर पार्टी में दोस्त की हत्या। नए साल की पार्टी में एक युवक की माथे पर गोली मारकर हत्या कर दी गई। मामला पीलीभीत के थाना बीसलपुर क्षेत्र का है, जहां बीती रात एक युवक को उसके दोस्त पार्टी के बहाने ले लिए, जहां दारू और खाने पीने का इंतजाम भी था। पार्टी के दौरान ही घटना को अंजाम दिया गया। वजह प्रेम पर रसन का बताया जा रहा है। थाना बीसलपुर के गांव चौसरा के रहने वाले लोकेश की हत्या कर दी गई। लोकेश के परिजनों ने हत्या का आरोप उसके दोस्तों पर ही लगा दिया। पुलिस दोस्तों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। परिवार वालों ने बताया कि कल रात लोकेश को उसके दोस्त बुला कर ले गए। पूरी रात लोकेश वापस नहीं आया। रात भर परिवार के लोग लोकेश की तलाश करते रहे हैं। आज सुबह गांव में नदी किनारे लोकेश का शव मिला। लोकेश के माथे में गोली लगी थी। मौके पर बियर की बोतल और खाने पीने के तमाम सामान के साथ एक अवैध तमंचा भी पड़ा मिला। पुलिस की माने तो सारे दोस्त 1 जनवरी को नए साल की पार्टी मना रहे थे। पार्टी के दौरान ही लोकेश की मौत हुई है। वही क्षेत्र में मामला प्रेम प्रसंग के चलते नए साल की पार्टी में हत्या की चर्चा चल रही है। फिलहाल हत्या से क्षेत्र में सनसनी फैला हुई है। पुलिस ने कई दोस्तों हिरासत में भी ले लिया है। अभी ये नहीं पता चला कि कौन कौन दोस्त पार्टी में थे। जिन जिन दोस्तों को नाम सामने आए हैं, पुलिस सभी से पूछताछ राशन लड़का हमारा गायब था और 3-4 लोग ले गए थे और इसमें मनोज को हमारा सका है। तो क्या हुआ फिर? आपको सूचना कब मिली? सूचना सुबह 6 बजे मिली। रात भर लड़का घर पे नहीं आया? ना, लड़का हमारा घर पर नहीं आया। शव मिला है युवक का, क्या मामला और क्या कार्रवाई की गई? बीसलपुर में एक शव मिला है जिसकी पहले शुरू में पहचान नहीं हो रही थी, उसकी पहचान हो गई। मोहल्ले वो कस्बे का ही रहने वाला है। उसके परिवारिक जनों ने 3 लोगों को नामजद किया है और जिनको नामजद किया है वो पुलिस के अरेस्ट में है, गिरफ्तार हैं। और प्लस अभी पुलिस उसमें गहराई से छानबीन करने में लगी हुई है। अभी हम लोग जो है जो एक्चुअल दोषी है उसकी तलाश में लगे हुए हैं। घर वाले तो जो इनके साथ गए थे 3 बच्चे, उन्हीं को नामजद किए। बताया जा रहा प्रेम प्रसंग का मामला है, उसमें गहराई से छानबीन होगी। जो भी मामला होगा उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी।